किसानों के लिए अलर्ट, 6 अक्टूबर से वापसी करेगा मॉनसून। आईएमडी ने कहा है कि 6 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी भारत से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल है। इसके साथ ही आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक एक निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य बिहार और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से 4 अक्टूबर यानी सोमवार से कुछ छिटपुट स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस बार 2 दिन की देरी से दस्तक देने वाला मानसून 6 अक्टूबर से वापसी करेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के मुताबिक 6 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी भारत से दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य बिहार और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से 4 अक्टूबर से बारिश शुरू हो सकती है। अगले 24 घंटे में उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, पश्चिमी असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बिहार के कुछ इलाकों में 4 अक्टूबर को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो 4 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक तमिलनाडु, केरल, तटीय और आंतरिक कर्नाटक में कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण कोंकण और गोवा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। इसके अलावा 4 अक्टूबर के लिए केरल के पठान मठिता और इडुक्की जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं 5 अक्टूबर को इडुक्की और मलप्पुरम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 5 अक्टूबर के लिए राज्य के अधिकांश जिलों को येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार 4 से 6 अक्टूबर के बीच केरल के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में सक्रिय है और केरल और लक्षद्वीप में ज्यादातर जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अभी भारी बारिश होने की संभावनाएं बची हुई हैं। इन दोनों राज्यों में बारिश के कारण खरीफ फसलों की कटाई प्रभावित होने की भी संभावना है। कुछ राज्यों में कटाई का काम शुरू हो चुका है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में अभी कटाई में कुछ समय है। हालांकि अब किसान बारिश नहीं चाहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हिस्सों में हुई हालिया बारिश से खेतों में काफी पानी भर गया है। खरीफ फसलों के पकने में देरी के साथ ही रबी फसलों की बुआई में इसे देरी की संभावना है। हालांकि कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार रबी की बुआई के दौरान खेतों में पर्याप्त नमी रहेगी, जिसका फायदा किसानों को मिल सकता है, लेकिन मटर और सरसों की बुआई में देरी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।